अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। तो जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब कोई त्यौहार होता है, कोई ईद शीद का प्रोग्राम होता है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आज है कोरिया में 11 नवंबर। देखें, यहाँ पे 11 नवंबर को लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं। तो ये दिन होता है चॉकलेट्स डे। तो 11 नवंबर जो है ना, वो पेपेरो डे कहलाया जाता है। तो उसमें लोगों को तोहफे दिए जाते हैं, मतलब लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं चॉकलेट वाले, ठीक है। तो कोरिया में देखें, यहाँ पे जो है ना, इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं बाहर और 30% ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी चॉकलेट्स हैं, अगर वैसे वो 10,000 की थी, तो अभी वो 5,000-6,000 की, इस तरह की, मतलब उन्होंने डिस्काउंट लगाया होता है ताकि हर कोई ख़रीद सके और लोगों को दे सके। तो ये देखें जी, तकरीबन हर एक किस्म की चॉकलेट पड़ी हुई है। ये देखें जी, ओए क्या ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट, ये देखें, ओए ये देखें जी, वो उसे क्या कहते, टोकरी सी बनी है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स वगैरह हैं। तो नई नई किस्म की चॉकलेट्स वगैरह हैं। में स्पेशल डेज़ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, और जबकि हमारे यहाँ मुसलमानों की तरफ ये होता है कि जी, स्पेशल डेज़ पे ना चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। तो हमें भी चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो इन ख़ास त्यौहार पे, ख़ास डेज़ पे, ईदों पे चीज़ें सस्ती करें, ना कि डबल कर दें।